जमुई जिला का झाझा प्रखंड में मध्य विद्यालय सोजाना के विद्यालय का हाल में आपको मीडिया के मार्फत शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ। ये विद्यालय बहुत ही जर्जर स्थिति में, विभाग का बार बार रोना है कि हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। मैं छत का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही जर्जर स्थिति है और बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़े तो पढ़े कैसे, बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे, क्योंकि हमेशा उनके माथे पर छत टपकने की डर समाया रहता है उसके दिल में कि कब हमारे ऊपर छत गिरेगी। एक नज़ारा मैं अपने सहयोगी को चाहूँगा कि एक नज़ारा आपको दिखाएं, आखिर कहाँ चला जाता है सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था। बहुत सारी बातें लंबी लंबी की जाती हैं शिक्षा के सुधार के लिए, लेकिन विद्यालय का भवन नहीं सुधरेगा तो कभी भी कोई भी हादसा घट सकता है। क्या शासन इंतजार कर रहा है कि मध्य विद्यालय सोजाना की छत गिरे, किसी बच्चे की मौत हो, तब विद्यालय का निर्माण होगा? अगर ऐसा है तो बिल्कुल ही नाइंसाफी, छोटे छोटे बच्चे उन मासूमों के लिए, उन अभिभावक के लिए जो अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय भेजते हैं। दैनिक लाइफ 24 के लिए राजीव शर्मा के साथ जमुई झाझा से वीरेंद्र कुमार के। नाम बताओ, कस के बोलो, नहीं तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? ये छत कभी भी गिर सकती है आप लोगों पे? गिर सकती है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, गिर सकती है ना? हमेशा डर लगा रहता है मन में, ये देखिए एक नजारा है, छत की जो है ना, ये छत देखिए जड़, ये बच्चे यहाँ नीचे ठीक उसके नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, उसके नीचे बच्चे यहाँ बैठे हुए, अगर ये छत गिरती है तो क्या स्थिति होगी इन बच्चों की, ये सोचा जा सकता है। मैं चाहूंगा मध्य विद्यालय सोजाने के प्रभारी संजय जी से, आखिर ये विद्यालय की इतनी जर्जर स्थिति है, कभी भी छत गिर सकती है, क्या इन्होंने विभाग को अवगत कराया या फिर बच्चे की मौत की जिम्मेवारी फिर इनके माथे पे आ गया और बच्चे को कुछ होता है? जैसे कि आप जानते हैं कोई भी हादसा घटता है तो जो घटना स्थल पर मौजूद होते हैं सबसे ज्यादा दंड पब्लिक उन्हीं को देती। हम बात करना चाहेंगे संजय जी से, इन्होंने विभाग को क्या क्या, संजय जी आपने क्या विभाग को लिखित दिया है? मैंने डीओ साहब को सूचना दे दिया है पिछले बार, और हमारे पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक भी विभाग को और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी गई। विभाग ने क्या कहा? विभाग के बारे में मुझे जानकारी, विभाग को आपने जानकारी दिया, विभाग बोले ठीक है हम देखेंगे और कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक और वर्गीय शिक्षक हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं, आप कंटिन्यू यहाँ है, क्या छत गिरेगी तब प्रशासन जागेगा, क्या कहना है इस बारे में? तो हम बार बार जो है इस विद्यालय के अध्यक्ष से भी बातचीत हुई कि आप आगे का अफसर से बात कीजिए, जब कोई घटना हो जाएगी तब उसका सबसे पहले जो दंड होता है हम लोगों को मिलेगा, और बरसात के दिनों में तो ऐसी जर्जर पोजीशन आता है कि हम बच्चा को कहाँ पढ़ाएं ये भी सोचने के लिए होता है। इस विद्यालय को दो जर्जर रूम के जगह पर तो निश्चित मिलना चाहिए। देखिए कोई भी हादसा होता है शासन प्रशासन जमुई में बैठे हुए हैं, हालांकि वस्तु स्थिति की जानकारी उनको है, लेकिन हमको लगता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा घटे, अनुमान तो यही लगाया जा सकता है। अगर शासन नहीं जागेगा तो आखिर जागेगा कौन? रही बात जमीन नहीं है, यहाँ तो विद्यालय को दुतल्ला बनाया जा सकता है, बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ दुतल्ला बनाया जा सकता है अगर सरकारी जमीन नहीं है तो। फिर से एक बार दैनिक लाइफ 24 के लिए वीरेंद्र कुमार राजीव शर्मा।